YouTube फैमिली, आप सब कैसे हो? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा बाबू भी अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ, मेरी चुन्नू भी बहुत अच्छी है। अभी ये लोग देख रहे हैं टीवी। और दोस्तों, क्या आपको पता है 5 गंदी आदतें हमको परेशानियाँ और गंभीर घर में अस्वस्थ व्यक्ति और धन में घर की कमी, मतलब घर में धन की कमी करा देती हैं। जानती हूँ 5 आदतें? नहीं जानते? मैं बताती हूँ। पहला, फटे पुराने कपड़े पहनना। दूसरा, फटी चादरें, गंदी मैली कुचैली घर में बिस्तर चादर रखना। तीसरा, सिंक में रात भर दिन भर जूठे बर्तन रखना। ठीक है, वो तो सही आदत है ना। पाँचवा, किचन को साफ ना करना। कढ़ाई तवा उल्टे की सिंक में धरे रहना, उन्हें साफ से ना मांजना। और जूते चप्पल घर के दरवाज़ों के बाहर रखना। जूठी मतलब खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोना। ये सब अगर आपके अंदर आदतें हैं तो प्लीज़ उन्हें सुधार लें। इन सब आदतों की वजह से घर में अलक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी रूठ हो के चली जाती हैं। इससे दरिद्रता, बीमारी, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, घर में कलेश ये सब बढ़ जाता है। सो ये 5 चीज़ें बिल्कुल ना करें। और दूसरा, अगर आप परेशान हैं, कोई परेशानी परेशान कर रही है, अस्वस्थ हैं, तो एक उपाय बताते हैं आप लोगों को। मैंने कहीं पढ़ा है, किया नहीं, अब मैं करूँगी एक दिन। तब 7 काली मिर्च लें, मंगलवार के दिन कोई ना देखे ना टोके, उसको अपने ऊपर से 5 बार वार लें, या 7 बार भी वार सकते हैं। और चौराहे पे जाके बाहर गेट चौराहे पे खड़े होके अपने सर के ऐसे पीछे फेंक दें, देखते हैं क्या होता है। मैं करूँगी, आज शनिवार है और आज मैं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ बीमारी से। यहाँ पे कील ठोक के लगाते हैं ना कि काली मिर्च थोड़ी लगाते हैं, काली मिर्च को चौराहे पे फेंकते हैं। आपने नहीं सुना था, पढ़ रही थी जब मैं अकेले पढ़ रही थी। तो उसके बाद जो है, मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरे अस्वस्थ भी हूँ, मेरे पास धन की भी कमी हो गई है थोड़ी सी। बीमार तो मैं बहुत हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा था, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, वॉचिंग आवर भी बढ़ रहा था। जनवरी से पता नहीं क्या हो गया, चैनल भी ठप हो गया। और धीरे धीरे आते आते मई के महीने से मैं, मतलब भाई क्या, अप्रैल से ही, 26 अप्रैल से मैं बीमार थी। बीमार होते होते मेरी हालत ऐसी हो गई है, मेरी ये हड्डियाँ नहीं दिखती थी कभी भी, ये हड्डियाँ दिखने लगी। इसका मतलब मैं कमज़ोर हो गई हूँ, ऐसे दिखने लगी, मतलब दिखती हैं ये 2 हड्डी यहाँ पे। पहले ये भरा भरा रहता था, और मोबाइल में तो मुँह गोल मटोल दिख रहा है, पर मैं कमज़ोर हो चुकी, ऐसा पापड़ जैसा हो गया, इसका कैमरा ऐसा है, इसलिए ऐसे दिख रही हूँ। तो दोस्तों, ये उपाय ज़रूर करना आप लोग, मैं भी करूँगी। और जो मैंने 5 बताए हैं नियम, उन्हें ज़रूर करना। याद है? नहीं याद तो दोबारा बताती हूँ। पहला, मैले कुचैले कपड़े और फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनने, घर में गंदगी नहीं करनी, चादर बिस्तर अच्छा साफ़ सुथरा रखना है। दूसरा, दरवाजे पे चप्पल नहीं उतारना है। तीसरा, सिंक में जूठे बर्तन नहीं रखना, किचन साफ़ सुथरा रखना है। चौथा, खाना खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना है। और उसके बाद 5वां, किचन को हमेशा साफ रखना है। आप सबको ही पता होगा, लक्ष्मी जी घूमती हैं इधर उधर, तो उनको जहाँ अच्छा लगता है वहीं वो ठहर जाती हैं। पर मैं तो अपना किचन साफ़ सुथरा रखती हूँ यार, बहुत साफ़ रखती हूँ, कभी जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। पर पता नहीं क्यों लक्ष्मी जी मुझसे रुष्ट हो गई हैं, शायद यहाँ पे लिखा ही नहीं है सुख ऐसे ही यही सब चलता रहा, और ऐसे ही बोलते बालते एक दिन ऊपर चले जाना है। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।